गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड 4th, ओपन पेज नंबर 18. ऑन पेज नंबर 18 वी हैव चैप्टर 10, ट्रैफिक सिग्नल. राइट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अंडर ईच पिक्चर. यू हैव टू राइट करेक्ट डिस्क्रिप्शन अंडर ईच पिक्चर. चूज द आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. दिस आंसर आर गिवन. फर्स्ट इज अ नो एंट्री. विच इज दिस साइन? दिस इज अ नो एंट्री साइन. यहाँ पर अपना व्हीकल नहीं ले जाना है, यानी किसी भी रोड पर अपना व्हीकल जहाँ पर भी ये साइन है वहाँ आगे नहीं ले जाना है. नेक्स्ट, दिस मीन्स नो राइट टर्न, यानी यहाँ से राइट की तरफ टर्न नहीं लेना है. थर्ड नंबर, नो लेफ्ट टर्न, यानी यहाँ से लेफ्ट की तरफ टर्न नहीं लेना है. जब भी व्हीकल चल रहा है तो लेफ्ट टर्न, अगर इस तरीके का बोर्ड आता है तो लेफ्ट टर्न नहीं लेना है. नेक्स्ट इज अ नो यू टर्न. रोड के यू टर्न नहीं लेना है. चलते चलते आप अचानक से दो रोड्स होते हैं, देन यू गो यू टर्न. अगर हम इस तरीके से गाड़ी पलट यू टर्न ले लेते हैं तो अगर ये साइन है तो वहाँ पर किसी अपनी व्हीकल को आप यू टर्न नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट, 5 नंबर, डोंट ओवरटेक. दिस मीन्स कि जिस स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है तो आप अपनी गाड़ी को आगे की गाड़ी से ओवरटेक, यानी उसके आगे जाके चला नहीं सकते हैं. आपको जिस स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है उतना ही चलाना होगा. नेक्स्ट इज़ नो पार्किंग, यानी यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है. किसी किसी बिल्डिंग्स या फिर किसी किसी प्रेमाइसिस में जिस तरीके का पी के ऊपर क्रॉस लगा होता है, इसका मीनिंग है नो पार्किंग, यानी कि वहाँ पर कोई भी व्हीकल रखना नहीं है. नेक्स्ट इज नो स्टॉप, यानी इस तरीके का जो भी सिंबल दिखेगा तो यानी वहाँ पर गाड़ी स्टॉप नहीं करनी है, वहाँ रन करते ही रहनी है गाड़ी. देन दिस इज स्टॉप, दिस मीन्स स्टॉप. रेड कलर इज अ डेंजर साइन ऑफ डेंजर कलर, तो वहाँ पर जब भी आप इस तरीके का साइन देखो तो वहाँ पर स्टॉप हो जाओ कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इस तरीके का साइन लगाया गया है. नेक्स्ट इज 9 नंबर, डोंट यूज़ हॉर्न. जहाँ पर भी इस तरीके का हॉर्न के ऊपर क्रॉस है तो वहाँ पर अपने व्हीकल का हॉर्न ब्लो नहीं करना, बजाना नहीं है. वाई? क्योंकि वहाँ पर स्कूल हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है या फिर टेम्पल भी हो सकता है, तो ऐसे रोड साइड में इस तरीके का हॉर्न के ऊपर क्रॉस लगाए, इसका मतलब वहाँ हॉर्न बजाना नहीं है. नेक्स्ट इज अ 10 नंबर, स्कूल अहेड. व्हेनेवर यू सी दिस ट्रायंगल इन टू चिल्ड्रंस इन दैट ट्रायंगल, इट्स मीन्स कि आगे जाकर स्कूल है. आपको अपनी व्हीकल का स्पीड कम करना है बिकॉज बच्चे जो है स्कूल चिल्ड्रंस क्रॉसिंग द रोड, इट कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है. तो आगे जाके स्कूल है, बच्चे है, इसलिए इस तरीके का सिंबल लगाया जाता है ताकि आप अपनी व्हीकल की स्पीड कम कर सको और आगे स्कूल भी है. नेक्स्ट इज नैरो ब्रिज अहेड, यानी जब हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और येलो कलर के ऊपर दिस टू स्ट्रिप यू सी, तो नैरो ब्रिज यानी छोटा ब्रिज आने वाला है, आपको इससे पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज अ रेलवे क्रॉसिंग अहेड. यू सी द स्ट्राइप्स ऑन दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्राइप्स, आप देखोगे जो कि रेलवे की पटरियों जैसा दिखता है, और ये देखोगे तो पता चल जाएगा कि आगे जो रोड है उसमें आगे जाके रेलवे क्रॉसिंग है. तो आपको अपने व्हीकल का जो स्पीड है वो कम कर लेना है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग पर हमेशा ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रेल गुजरती है. ऑल द साइंस यू हैव नाउ लर्न, आपको पता चल गया सारे साइंस का साइन का क्या मीनिंग है. तो आगे जब भी आप अपने फादर मदर के साथ किसी व्हीकल में जाओ और ये देखो ये सारे साइन, तो इसका मीनिंग आपको ज़रूर पता होगा. नाउ टूडेज होमवर्क, इट डू इट इन योर वर्क बुक, पेज नंबर 18.